20 हफ्ते में निवेश राशि का डबल लौटाने का झांसा देकर 30 लाख की ठगी की गई है। पाशपौली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें शेखर निम्बाजी साखरे चंद्रपुर निवासी, नागमनी यादव जहानबाद बिहार तथा राजेंद्र घनश्याम दास शर्मा वैशाली नगर निवासी है। आरोपियों की ट्रेडविन मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। साखरे और यादव कंपनी के संचालक जबकि शर्मा सीईओ था। आरोपियों ने सितंबर 2020 को कंपनी आरम्भ की। सावनेर मार्ग के फन प्लानेट रिसोर्ट में सेमिनार का आयोजन भी किया। यहाँ लोगों को अपने आकर्षक योजना की जानकारी दी। आरोपियों ने लोगों को 20 हफ्ते में उनके द्वारा जमा राशि का दोगुना लौटाने का झांसा दिया। आरोपी फॉरेक्स ट्रेड, ट्रेड शॉपी, बायोफी फार्मिंग तथा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देते थे। निवेशकों को उनकी राशि विदेश में निवेश करने का बताकर मालामाल होने का लालच देते थे। आरोपियों ने आरंभ में लोगों को वादे के अनुसार मुनाफा भी दिया, जिससे लोगों को भरोसा हो गया कि आरोपियों ने दूसरे राज्यों में भी अपना जाल फैलाया। टेका नाका निवासी दामोदर मेश्राम सहित कई लोगों ने आरोपियों के पास निवेश किया था। निर्धारित वक्त बीतने के बाद भी रुपए नहीं मिलने से लोग चिंतित हो गए। उनके दबाव बनाने पर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ितों ने पाशपौली थाने में शिकायत दर्ज की है। इसमें वगैरह वो इन्वेस्ट करके डबल करते हैं, तो मैं फिर अपने दोस्त के साथ में ये कंपनी से जुड़ा था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सेमिनार्स लिए कि भाई हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते। और मैंने खैर ज़्यादा अमाउंट नहीं था मेरा, 60,000 के लगभग ही था। तो बाकी लोगों ने बहुत लाखों से पैसा डाला है और उन लोगों का पूरा पैसा इन्होंने एक महीना तक के दिया, और बाद में जब इन्होंने दिवाली के बाद देना बंद कर दिए और इन्होंने बोला कि हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेशन चल रहा है, वो हिसाब से बाद में हम आपको दे देंगे, पर आज तक के किसी को मिला नहीं है और कोई ये नहीं हुआ। पर अभी FIR हुई है, तो अभी हम लोग जो भी है इन्वेस्टर, इनकी एक उम्मीद जगी है कि अभी उनको पकड़ के लाएंगे और हमारा पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। खूब लोकांनी त्यांच्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक केली, त्याच्यानंतर काही दिवस रक्कम भरल्यानंतर कंपनीने अचानक रक्कम देणे, गुंतवणूकदारांना जे आश्वासन दिले होते त्याप्रमाणे पैसे देणे बंद केले, म्हणून गुंतवणूकदार यांनी कंपनीचे डायरेक्टर लोकांना विचारणा केली असता त्यांनी त्यांना उडवाडीचे उत्तरे दिले आणि सध्या ते कोणाचाही फोन घेत नाही किंवा ते कुठे आहेत हे गुंतवणूकदारांना माहीत नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पाचपावली पोलीस स्टेशनला ट्रेडविन मल्टी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे डायरेक्टर व CEO यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे, तपास चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपूर।